हेलो हेलो के बच्चे साले हरामी कमीने। हेलो मैं मिन मिनावे मत कुत्ते, अब भोग चित्ता भोगना है। अरे सुनो, मेरी सहेली ने तो सुन लिया पर मैं, अरे देखिए भड़वे, जो दिखाना है अपनी माँ बहन को दिखा जाके। अरे सुनो तो सही यार, तू क्या समझता है कि फोन की आड़ में किसी भी लड़की को कुछ भी कह लेगा? आप मुझे बोलने का मौका तो दे ही नहीं रही है। तो मैं 100 नंबर डायल करूं या तेरे घर आके तेरी बारात निकालूं, तेरी माँ का मजनू मारूं, तेरे जैसे छिछोरों से अच्छी तरह निपटना आवे है? डेडे 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 डेडे, सुनी नहीं रही? 100 नंबर ये नंबर, ये कहां गया? क्या हुआ बे, कैसे रोड़ा रुक कैसे हो रहा है? हाँ तुझे तो कुछ पता ही ना है, तू अपने फोन तक क्यों ना करे करता कॉल? अरे मैं अपने फोन से फोन तो करूँ और उनके से कोई आदमी बोल रहे, और जब मैं तेरे फोन से करूँ तो बड़ी कोयल सी बोल रहे। किसी दिन ना जूते पड़वाओगा, समझ गया ना? और कोई कॉल तो ना करिए? और कोई कॉल नहीं करी मैंने अभी। भरोसा ना तेरा कुछ? हाँ सुना पम्मी, कैसी देसी दोस्ती है, अगर यो आदमी का बच्चा है तो कभी फोन नहीं करेगा। रिया निमोनी मजा आ गया, ये साले लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। Exactly. फोन पकड़, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। अरे आप फोन पे अभी इतनी गर्म हो गई कि रोटी सेकने का मन कराया। मैं? अरे इतना लाल पीला होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी जिंदगी है, इंजॉय करो, मौज मस्ती करो। और सुनाओ, बदतमीज, और चटपटी गाली दो, उल्लू के पट्टे, अरे और चटपटी गाली दो, मजा आ रहा है। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे मैं तेरे मुंह को चूम लूंगा, और जो तू थप्पड़ मारेगी मैं तेरा हाथ चूम लूंगा। हैं? फोन काट दिया। क्या हुआ? वो क्या फिर फोन किया उसने? ला मुझे दे फोन। उठा साले फोन उठा, डर गया साला। अब की बार आने दे उसका फोन, साले की क्लास लेती हूँ। हेलो, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला साले? तुम गाली क्यों देते हो? अभी होलट, उससे पहले तूने क्या किया था? क्या किया था? घना सियाना मत बन, जानता है तू किससे पंगा ले रहा है। ज्यादा तू तड़ाक मत कर, मुझे भी आती है गाली देनी। ए सैकड़ों गाली का स्टॉक है मेरे पास, अगर देने पर उतर आई तो। गाली के अलावा तेरे पास और है क्या देने के लिए? ए ए क्या बोला तू? हेलो, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझ। अच्छा मैं भी बदतमीजी पे उतर सकता हूँ, समझगी ना? ए क्या करेगा तू, रास्ता रोकेगा, गाली देगा, किडनैप कराएगा, क्या क्या करेगा तू? ओह माय गॉड, क्या आफत है यार। अभी तो तू सुन रहा है मुझे, जिस दिन सामना होगा ना चकड़ी भूल जाएगा। ज्यादा ही बदतमीज दिखे, गाली गाली देनी आवे और कुछ आवे भी है, समझा रहा हूँ, दिमाग में घाल लिए, आगे से गाली मत दे दिए। तू है ही इसी लायक ना लायक। ए बहुत हुआ,
अच्छी तरह जानता हूँ तेरे जैसी गंदी जुबान वाली चालू लड़कियों को। तूने फोन पर बदतमीजी करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, तेरी कंप्लेन करती हूँ। शट अप, हाँ कर दे जा। तू ऐसे नहीं मानने वाला, तेरा इलाज करना पड़ेगा। ओए सुन, तेरे पे जो होता हो कर लिए, तेरे जैसी बदतमीज लड़की बहुत देखी है। शट अप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। कैसे हैं गांधी सर? सब ठीक है। और राजीव भाई? बस बढ़िया। आ गया है। और प्रभजोत लगे हो? बढ़िया। मैं ही लेट हूँ आज। हैं सर, मैं बुला रही हूँ आपको। ओके आता हूँ। ऑफिस आने की देर नहीं है, पहले ही बुला लिया। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। आपने मुझे बुलाया मैम? बैठिए पहले। क्या हाल है? हाँ जी। क्या लोगे, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक्स मैम, आप कुछ काम के बारे में कह रही थी। ओया, वो स्पीड इंडिया का प्रोजेक्ट रेडी हो गया? जी हाँ, 75% रेडी है। बाकी 25% कब होगा? जब आप मुझे यहाँ से जाने का ऑर्डर देंगी, उसके एक घंटे के बाद मैं आपको रिपोर्ट दे दूँ। ओके ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। ओके हेलो। ओके सी यू। तू कैसे आया? यार मैं बावली पूछूं, फ्लैट की चाबी भूल आया, ला चाबी दे। तुझे उल्टे सुद्धे काम होते फुर्सत हो, जबी तो फ्लैट की चाबी याद रहेगी। सर आपको मैडम बुला रही हैं। सुन, इस मैडम का दिल तेरे पे आ गया है, कर ले सेटिंग। चाबी पकड़ और फूट ले। नया नंबर, इसी पे कॉल करता हूँ। मम्मी जी, जरा फोन बज रहा है, उठा लेना। हेलो। हेलो। कौन? अजी हम तो वही पुराने आशिक बोल रहे हैं आपके। चल बदतमीज कहीं का। अरे काट दिया। उसने फिर बदतमीजी की, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ज्यादा ही छो में दिखे आज तो। तू साले किसी दिन मरवा के छोड़ देगा मुझे। अरे क्या हुआ मुगल बाबू? क्या बताऊं, मेरे फोन से लड़कियों को फोन करा यार, वे गाली दे। मैं मुझे कुछ दे ही रही है, ले लो। अच्छा जी, जिस दिन आपके फोन से करेगा तब आपको पता चलेगा। चाबी दे कहाँ है? अरे ले चाबी। सुन आ रहा हूँ मैं अभी, इस गाड़ी को तैयार। हाँ जी हाँ जी, जाओ ठाट से जाओ। हेलो। हेलो, कौन बोल रही है? आप कौन बोल रहे हैं? अजी हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। अच्छा, अरे कितनी सुरीली आवाज है, कोयल जैसी और लता मंगेशकर जैसी, सोनी मीठी कोकटेल। रियली? अरे इतनी सुरीली आवाज,
कोयल सी और लता मंगेशकर जैसी आवाज है तुम्हारी। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अरे आप अपना एड्रेस बता दीजिए। नंबर नोट कर लो भाड़ा। हाँ, मलिक गैराज भोपुरा, मैन रोड पे भोपुरा पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे कोई आ जाते। अच्छा ठीक है, और मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी। थैंक यू, आ जा। अच्छा अच्छा, तो अब इसे मैं मजा चखाती हूँ। अब मैं अपने पापा और भाई को भेजती हूँ। ओ टेजू। हाँ जी। वहाँ से जाके जा गुप्ता जी की गाड़ी लिया, सर्विस मांग रही गई है, फोन आया उनका। चलो ठीक है जी, जा रहा हूँ जी। भाई देखना ये नंबर यहीं का है। मेरा ही है जी। ये क्यों मार रहे हो? बताओ तो सही भैया, क्या बात होगी? बताओ तो सही यार। साले लड़की उनको फोन करता रहता। साले अब क्या करिए फोन, ना तो अब तुझे ठाकने ले जाऊं यहां से। साले टेसू, तेरा जरूर करूंगा हिसाब, तेरा जरूर करूंगा। वाओ वेरी गुड मुकुल, स्पीड इंडिया की रिपोर्ट यूनिक है। थैंक यू मैम। थैंक्स। हेलो कमीने, यू आर जीनियस। जी। उल्लू के पट्टे, हमें आप पर गर्व है। वाओ कमीने भड़ुए। मुकुल अगले मंथ आपका प्रमोशन पक्का। हाँ जी। समझ ले, तू तो गया अंदर, बात कर लीजिए इससे। जी मैं फिर कर लूंगा बात। ओके। देखिए आप गलतफहमी का शिकार हैं एक्चुअली। ओ गलतफहमी के बच्चे, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। पिताजी नमस्ते। ये किससे बातें कर रहा था तू? जी जी वो कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? जी नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और होने भी नहीं चाहिए, और है तो पहले बता देना, तेरी शादी के बारे में सोचा जा रहा है। शादी? हाँ तेरी शादी। तू अपनी मैडम के सामने बैठा है ना? जी हाँ। ठीक है तो फिर बाद में बात करता हूँ। जी जी पिताजी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी, शादी की बात हो रही है, हमें पता भी नहीं है। जी मुझे भी अभी पता चला है, पिताजी ने कोई लड़की देखी है। पिताजी ने? What do you mean? इस युग में भी पिताजी की पसंद? नहीं नहीं, मेरी पसंद से होगी शादी। तो करो ना। जी जी। What जी? May I go now? हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हैं। जी थैंक यू। अब भाई आज तू फैसला कर ले, या तो तू ये हरकत छोड़ देगा या मेरा कमरा छोड़ देगा। बोल ले भाई। मैंने कर लिया फैसला, मैं तो ये कमरा ही छोड़ दूंगा। छोड़ रहा है? हाँ जा। जाऊं? हाँ जा। देख ले मका, जल्दी जा तू। अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं रोक रहा यार। अच्छा भाई एक काम करेंगे, मैं फोन वाली हरकत ही बंद कर दूं अब। बस अब चाय बना लूं। सोच ले फिर, फोन ना कर दिए। सोच लिया, बस फोन नहीं करने का, बस मैंने सोच ली, अब बस सुधर गया मैं, और अब चाय बना लूं। बना ले। नहीं मानने वाला। ओहो क्या गुस्सा है मेरी जान। यू ब्लेडी बास्टर्ड। अरे कभी हमसे ही बात करा करो। हेलो, देखिए मेरा दोस्त है जो आपसे बातें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। सुनिए एक्चुअली। साले तू कितनी भी नौटंकी कर ले, तुझे मजा चखा के रहूंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ये मेरा दोस्त है, आपको आवाज में फर्क नहीं लग रहा? शट अप। यू शट अप।
मोनी, उसने फिर से फोन पे बदतमीजी की। अच्छा ला, साली की क्लास लेती हूँ। हेलो, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला? आप कौन? उल्लू के पट्टे में उसी की सहेली बोल रही हूँ जिसे तू बार बार फोन करता है। अरे वो मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त है। सफाई मत दे, सफाई मत दे। नाम बता। नाम ओ प्लास। क्या? देखिए मैं आपको कितनी बार समझा रहा हूँ, जो आपको कॉल कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त है। ये सब थाने बताना। आप मेरी बात तो सुनिए। चल। अरे मोनी, ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा? ये सचमुच सच बोल रहा हो? ओ पम्बी की बच्ची, तुझे तो हर कोई सही लगने लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? वो जो फोन करता है ना, और ये जो बात कर रहा है, इनकी आवाज एक जैसी है। ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब अलग अलग है। श्योर? 100% तो फिर कहीं ऐसा ना हो ये शरीफ बेकार में मारा जाए। तो मैं क्या करूँ? एक बार बात तो सुन ले उसकी, हो सकता है वो सच बोल रहा हो। ओके, कभी कभी पम्मी तो समझदारी की बातें करने लगती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मुकुल, आज आपका फोन क्यों ऑफ था? हाँ जी, वो फोन बंद हो गया था ना। आफ्टर लंच बोर्ड की मीटिंग है, तैयारी करनी है। जी ठीक। अरे बात कर लो, किसका फोन है? मैं बाद में कर लूंगा जी, मैं पहले मीटिंग की तैयारी कर लेता हूँ। गुड। पागल है, कुछ समझता ही नहीं है। हो सकता है वो कहीं बिजी हो। लेकिन मैं उससे बात क्यों करूं? क्यों? सही कहा, अगर वो अपनी जगह ठीक होगा तो कॉल बैक जरूर करेगा। पहली बार अकलबंदी की बात की है। हेलो। हेलो जी, बोलिए क्या कहना है? कहना तो आप चाह रहे थे जिसे मैं अवॉइड कर रही थी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था, जो शरारत या जो बदतमीजी आपके साथ कोई कर रहा था वो मैं नहीं, मेरा दोस्त था, और गालियां मुझे सुननी पड़ रही थी। आप अपना फोन दूसरों को देती क्यों हैं? अरे दोस्त है भाई मेरा, साथ रहता है, थोड़ा सा चंचल है। ऐसी नासमझ दोस्तों से दूर क्यों नहीं रहते? देखिए मैडम, अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। राइट, मैं भी अपनी चंचल सी सहेली को बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मैं समझूं कि आपकी गलतफहमी दूर हो चुकी है? ऑफ कोर्स। थैंक गॉड। देखो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई बिना वजह मुझे गलत समझे। आपको नहीं लगता कभी कभी गलतफहमी दो अजनबी को कितना करीब ले आती है? जी देखा, गलतफहमियां दूर होते ही टेंशन कैसे फुर हो गई। जी क्या जी जी लगा रखा? हेलो, कहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? नो नो, नॉट एट ऑल। दरअसल मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इतनी लंबी बात की। पहली बार? हेलो, कौन से ग्रह के जीव हैं? आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं? देखो जी, हम देहाती लोग इन चक्रों में नहीं पड़ते। सो नाइस, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छी बात है जी। मुझसे बात करके आपको कैसा फील हो रहा है? ऑब्वियसली गुड। रियली? आप कितने अच्छे इंसान हैं, और मैंने आपको कितना उल्टा सीधा सुना दिया। सॉरी अगेन सॉरी। हाँ वेलकम। इफ यू डोंट माइंड, मुझे अब ऑफिस का कोई जरूरी काम करना है, वो कर लूं? अच्छा अच्छा सॉरी, आप अपना काम करो। बाय। ओके बाय। ओह नमस्ते पिताजी। अरे नमस्ते नमस्ते, रख अपनी जेब में। ये बता तेरा फोन बिजी क्यों रहता है? और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तेरा ऐसा कोई चक्कर वक्कर हुआ ना उधर, तेरी बना दूंगा रेल, समझा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर घंटे भर से किसे बात कर रहा है? वो हेड ऑफिस से फोन आ रहा था, उन्हीं से बात कर रहा था। अरे तो कोई नाम तो होगा। जी वो शर्मा। अरे पूरा नाम बता। राजेश शर्मा। ठीक है, फोन में चेक कराइए। जी। अरे वो तेरी माँ बुला रही थी भाई। जी मैं आ जाऊंगा। ठीक है, बोल मत जाना। जी मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है अपना काम कर। ठीक है, नमस्ते पिताजी। हाँ नमस्ते।
हेलो हेलो, अरे आप, सॉरी गलती से कॉल हो गई। कोई बात नहीं, कभी कभी गलती भी कितनी अच्छी लगती है ना। एग्जैक्टली, एनीवे मिस्टर पलास, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। क्या आप मेरा नाम नहीं जानना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्तिका है। वर्तिका जी, बड़ा अच्छा नाम है आपका। आप प्लास क्या हर फूल में मौजूद है जी अरे दीदी दीदी, अरे रुको तो सही। मोनी, ये तो किससे बात करती रहती है रात भर फोन पे? वो मम्मी मेरी सहेली है। सहेली? कौन सी सहेली है तेरी? कोमल नाम है उसका, मेरी नई सहेली है। अच्छा बताओ पलास, मैं कैसी लगती होंगी? बिल्कुल परी सी, मृगनैनी सी। और तुम मेरे सपनों के राजकुमार। बिना देखे हम एक दूसरे को कितना चाहने लगे हैं। सच कहा पलास, और देखना पलास मैं तुम्हें कितना प्यार करूंगी। कब? जब हम मिलेंगे तब। लेकिन कब मिलेंगे? ओ पापा आ गए। ओके मैं कल बात करती हूँ, बाय। हाय। हेलो जी, कैसे हो? वादे याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, बस मैं ऑफिस के बाद आ रहा हूँ, पार्क पहुँच रहा हूँ। मैं बस पार्क के लिए ही निकल रही हूँ, आज हमें मिलना है। 100% मिलना है, बस मैं आ रहा हूँ। बाय। ओके बाय। अरे मुकुल। मैं मुझे बुला लेती? कोई बात नहीं, मेरा हेड ऑफिस से फोन आया है, मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है जी। नहीं नहीं, आपको भी साथ चलना है। जी मैडम, मैं वो मैं 15 मिनट में आती हूँ, तुम तैयार रहना। जी ओके। हेलो। हाँ जी। वो प्रतीका, आई एम सॉरी, मुझे बॉस के साथ है ना हेड ऑफिस जाना पड़ रहा है बहुत जरूरी काम से, आज हम मिल नहीं पाएंगे। ओ सिट, आई एम सॉरी यार। ओके रात को बात करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय बाय। हेलो। तूने फिर से मुझे फोन किया? गाली मत देना, गाली मत देना, पहले सुनो, गाली मत देना, मैं इस फोन वाले का दोस्त बोल रहा हूँ। अच्छा तो तुम हो, फोन क्यों किया? कभी कभी मैं यूं सोचूं। क्या सोचते हो? कि मेरे दोस्त की और तेरी सहेली की तो सेटिंग हो गई, और ये दोनों रात दिन घुटर घुट भी कर रहे हैं, पर मेरे तेरे बीच में तो अभी 36 का आंकड़ा है। अरे हाँ, भला हम दोनों के बीच में ऐसा क्यों है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे बीच दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? तो आज से हम दोनों भी पक्के दोस्त हुए। सुनो, बाथरूम में से मेरा दोस्त आ रहा है, बाद में बात करते हैं। नमस्ते पिताजी। आज कौन सा दिन है लाड साहब? जी वो ट्यूसडे, मंगलवार। तुझे इतवार में आना था ना? जी वो सफाई मत दे, कल घर आ जा, लड़की देखने चलना है। लड़की? कोई परेशानी? जी जी नहीं। तो कल शाम तक आ जा, ठीक है? ठीक है जी। कुछ कहना है? नहीं नहीं और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो कल शाम तक आ जा, भूल मत जाना।
समझे? जी। मुकुल बेटा, कल हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ भाई, कुछ हो तो पहले बोल दियो। देवल जी, संकोच मत करो। सारा घर कुसामने में लगा है। अगर कोई बात हो तो बोल दे, वरना मेरा फैसला पत्थर पे लकीर होता है। अगर एक बार लड़की फाइनल कराए तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, इज्जत का सवाल है। पिताजी वो, हाँ हाँ बोल। मैंने एक लड़की देखी है। अरे लड़की कहाँ की है? तेरे साथ काम करे है? नहीं तो। उसका घर खानदान क्या है? अरे लड़के का बाप भी कुछ करता है? अरे लड़की की बिरादरी का तो पता है तुझे? अरे लड़की देखने में कैसी है? कोई फोटो वगैरह है? नहीं। अरे तो तूने तो देखी होगी लड़की। जी नहीं, अभी नहीं देखी। देख ली अपनी पूत की करतूत? जात तो दूर की बात, फोटो तक नहीं देखी। एग्रीमेंट 7 जन्मों का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़कों को, क्या समझते हैं अपने आप को। अरे तो तू उस लड़की को कैसे जानता है? माँ, वो हमारी फोन पे बात होती है। फोन पे बात? अब फोन पे रिश्ते तय होंगे? न लड़की के खानदान का पता, न बरादरी का पता, लड़की कैसी है? लड़की बहुत अच्छी है। बकवास मत कर। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। चले साइड पे? हाँ जी चलो। अच्छा फिर क्या हुआ? होना क्या था, रात को पलाश के सामने मैंने अपने दिल की बात रख दी। रियली? फिर क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बितावे, आज मिलना था लेकिन ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। ओहो, अब हम दोनों एक दूसरे से जल्दी मिलने जा रहे हैं। देखो मुझे तो इस मोहिनी के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। परसों लड़के वाले भी बात करने आ रहे हैं ना। देखने के लिए तो आ रहे हैं, भगवान करे इसे जल्दी पसंद कर। हाँ, लड़के वाले चट मंगनी और पट ब्याह। सुन, इसे समझा दियो कुछ ढंग के कपड़े पहन ले। अब तू एक काम करिए ना, तू लड़की देखते रिजेक्ट कर दिए। तुझे मेरे पिताजी का गुस्सा ना पता? फीत पाड़ दे, एक मिनट में राशन पानी लेके चढ़ जाऊंगे वहीं। तो यार इसके अलावा कोई रास्ता भी देना है? इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है? सही कह रही है तू, रिजेक्ट कर दूंगी। लेकिन पलाश से क्या हूँ? सच सच कह दे, तू तो उसे रिजेक्ट करने जा रही है ना, फिर डर कैसा? ठीक कह रही है। और फिर पलाश का रिएक्शन देख, उसे कैसा लगता है। एक हफ्ते छुट्टी उस सगाई के लिए? जी। तो फिर मेरा क्या होगा? जी मेरा मतलब है एक हफ्ते में ऑफिस का कितना काम पेंडिंग हो जाएगा। तो 2 दिन कम कर दो जी। तुम्हें शादी कितनी जल्दी क्यों है? जी मुझे नहीं, मेरे ताना साहब पिता को है। तो तुम रिवोल्ट क्यों नहीं करते? जी हमारे यहाँ जो शादी है ना, वो पिताजी की मर्जी से ही होती है। अरे शादी तो तुम्हारी मर्जी से होनी चाहिए। एग्जैक्टली, अब की बार मैं रिवोल्ट करूंगा। गुड, मगर कैसे? मैं लड़की को रिजेक्ट कर दूंगा। ये हुई ना बात, तो शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करना। जी। मेरे इतने दिन की कोशिश बेकार गई, क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। हाय। हाँ बोलो वर्तिका, कोई खास बात? बहुत ही खास है पलाश। जल्दी बोलो, मुझे जरा काम है। पेरेंट्स मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। व्हाट? यस। ओह, मैं भी। कुछ कहना चाह रहे थे आप? वो नहीं कुछ नहीं। हाँ वो तो तुमने क्या सोचा है फिर? सोचना क्या है, रिजेक्ट कर दूंगी। गुड, क्यों ना हम एक बार मिल ले पलाश। सॉरी वर्तिका। क्यों? हाँ मैं तो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। ऑफिस के काम से? हाँ यस 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 यस। ओह तो हम नेक्स्ट वीक जरूर मिलते हैं। यू नो मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ मैं अच्छी तरह से समझता हूँ,
लास्ट में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। वृतिका, काश मैं तुम्हें अपना सीना चीर कर दिखा सकता। मैं तुम्हें जल्दी ही गुड न्यूज दूंगी, यानी लड़का रिजेक्ट करने की न्यूज। मुझे इंतजार रहेगा। ओके। ठीक है, मुझे कोई काम है जरूरी, मैं करता हूँ, और तुम याद रखना और मुझे फोन पे अपडेट कराते रहना। ओके ओके बाय। ओके बाय। अरे भाई, सब तैयारी हो गई? कभी एंड टाइम पे इधर उधर भागते फिरो, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ जी, सारी तैयारी होगी, बाकी आप अपने बेटे से पूछ लो। हाँ भाई, बता। अरे तू सुन रहा है ना? थोड़ा रुक जाते तो। रुक जाते? बुढ़ापे में शादी करेगा? शादी का भी एक टाइम होता है। बहू, कल के लिए तैयारी करो। जी। हम सब चल रहे हैं। भाई, हमारे जमाने में तो बड़े बूढ़े ने जो कर दिया सो कर दिया, फुल एंड फाइनल ही होता है। किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। सही कहा भाई साहब आपने, लड़के लड़की से तो पूछने की नौबत ही नहीं आती थी। हाँ वो तो है। अरे भाई मौनी, अरे कुछ नाश्ता पानी तो लाओ। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं रिजेक्ट करता हूं इसको। लो जी देख लो, हमारे पास तो यही है जो भी कुछ है। हमारे पास धनमाल तो कुछ है नहीं। धनमाल की बहन जी, जरूरत भी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस बच्ची अच्छी होनी चाहिए। अरे लीजिए लीजिए आप। अरे हाँ जी प्लीज, आप चिंता मत करिए, ले रहे हैं। भाई साहब लीजिए, बहन जी लीजिए ना, लीजिए आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। लीजिए ना बहन जी। हाँ जी। बेटे, भाई साहब आप जैसे भी कहोगे शादी उसी तरह से होगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए मैं आपको घर दिखलाता। आइए 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 बहन जी आइए, तुम भी आ जाओ। ओ बंदर, मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। ओ बंदरिया, ज्यादा खुश मत होवे, तू मेरी वृतिका के पैरों की धूल भी नहीं है। ओ घोचू, मेरे पलास का तो तू 5% भी नहीं है, उसके सामने तो तू नौकर सा लगेगा, नौकर सा। मैं तुझे अभी रिजेक्ट करने का ऐलान करता हूँ। अरे जा डरपोक, तू अपने बाप के सामने चू भी नहीं कर सकता, अब मुझे ही बोल्ड होना पड़ेगा। मैं सबके सामने तुझे रिजेक्ट करूंगी। हाँ मैं पलास्की हो चुकी हूँ। अरे चुप कर, मेरी जिंदगी में वर्तिका की जगह कोई नहीं ले सकता, तू भी नहीं ले सकती, तू है क्या? ठीक है जी ठीक है, सही कहा। आइए बहन जी आइए बैठिए। मजा आ गया भाई, घर तो बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब हमें तो लड़का पसंद है। और हमें भी लड़की पसंद है, तो पंडित जी को बुलवा के मुहूर्त निकालो। जी भाई, मैं तो चट मंगनी पट ब्याह में विश्वास रखता हूँ। जैसा आप कहें, जैसा आपका आदेश। ठीक है। पिताजी, जैसी मेरी शादी में आतिशबाजी हुई उससे अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। आतिशबाजी का इंतजाम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। तो फिर बुक करवा दो, शादी में दिन ही कितने रह गए। ठीक है। हाँ भाई लाड साहब, बता तेरी और कोई ख्वाहिश हो, बाद में ये मत कहना कि पिताजी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे कुछ है तो बोल दे, शर्मा मत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू इस रिश्ते से खुश नहीं है? इसके लक्षण मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे। हमारा बेटा शर्मावे है, अरे माँ बाप के सामने कम बात करे है। देख ले के बाद में पछताता फिरे।
ये तुम क्या कह रही हो वृतिका? बिलीव मी पलास, इससे पहले कि मैं अपोज करती, हम दोनों के पेरेंट्स ने मिलकर शादी भी तय कर दी। ओह नो, शादी नेक्स्ट वीक है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बंगलोर से मैं 2 दिन में आ रहा हूँ। ओके, हम मिलते हैं पलास। क्या तुम मेरा साथ दोगे पलास? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोर्ट मैरिज कर सकते हो? आर यू सीरियस? यस पलास, हम कहीं दूर चले जाएंगे। बहुत सोच समझकर बोला है मैंने, बंगलोर से आते ही मुझे मिलो प्लीज प्लीज। ओके, मैं मिलता हूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, बॉस बुला रही है। हाँ भाई, कार्ड छप के आ गए हैं जी, ले जाना, अपने दोस्तों में बांट देना। ठीक है जी। अरे मोनी जी, इस लड़के से पूछ ले फोन करके, उसे गरम सूट का कपड़ा ला के देना है। तो क्या, फोन करके पूछ ले, पता कर उसकी पसंद नापसंद। मुझे नहीं करना फोन वोन। क्यों, बात नहीं करते आपस में है? अच्छा ला मुझे नंबर दे, मैं अपने आप बात कर लूंगी। मेरे पास नहीं है नंबर। नंबर? अच्छा, उसका नंबर नहीं है तेरे पास? देखो, वैसे तो कहती है कि मेरे पास नंबर नहीं है, और देखो आप कैसे बात कर रही है। अरे भगवान, माँ बाप से कुछ पर्दा तो होना चाहिए कि नहीं? अरे वाह भाई वाह, तू तो कतई सुपर फास्ट निकला, शादी के कार्ड भी छुपवा दिए। अरे ये सब पिताजी कर रहे हैं। अरे वो बात तो ठीक है, पर फोन वाली मैडम का क्यों होएगा? मोनी नीचे बुला रहे हैं, हल्दी चढ़ेगी। किसका फोन है? पलास का। हेलो पलास, बंगलोर से आ गए तुम? हाँ, बोलो कब और कहाँ मिलना है। सॉरी पलास, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, अब मैं चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। ओहो, तो अब क्या करें? पलास, वर्तिका तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। वर्तिका इस टाइम मेरे दिल पे क्या बीत रही है बस मैं ही जानता हूँ। मैं समझ सकती हूँ पलास, हम दो जिस्म एक जान है, ये रीति रिवाज हम दोनों के बीच में दीवार नहीं बन सकते। हाँ, हमारा मिलन होगा और जरूर होगा। पलास पलास, वर्तिका तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। ये दुनिया की नजरों में तो एक शादी है, लेकिन मेरे लिए एक इम्तिहान है। आजकल मोनी फोन से बहुत चुपकी रहती है। तू सहेल से बात कर रही होगी। माँ हो ना, उसकी गलती को पता डाल होगी। आप तो हमेशा शक करते हो। सुनो, औलाद पे शक करना माँ बाप का अधिकार है। मुझे मोनी ने बताया था कि वो कोमल से बात करती है। कौन कोमल? पहले तो नाम नहीं सुना और ना यू कभी मिलने आई है यहाँ पर। अब आएगी ना शादी पे। हेलो। हेलो जी, कैसी हो जी? ठीक हूँ जी। ना ना ना, आज आवाज में मजा नहीं आ रहा। अच्छा जी, तुम कैसे जान गए कि मैं दुखी हूँ? क्योंकि मैं भी तो दुखी हूँ। अरे मैं तो अपनी फ्रेंड की शादी की वजह से दुखी हूँ। और मैं अपने दोस्त की शादी की वजह से दुखी हूँ। अरे वाह, हम दोनों अपने अपने दोस्त की शादी से दुखी हैं। हम दोनों के नक्षत्र कितने मिलते हैं? पर हम दोनों के नक्षत्र नहीं मिलते। मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू 3-4। चलो खैर छोड़ो, और सुनाओ। सुनाना क्या, फ्रेंड की शादी में बिजी हूँ। और मैं भी। फोन पर ही बात करते रहोगे मेरी फ्रेंड की तरह या कभी मिलोगे भी? ठीक है, तो 5 जून के बाद मिलते हैं। ओके, तो हम शादी के बाद मिलते हैं। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, आ गए मुकुल। क्या हुआ आपकी शादी का? मैडम, मैंने शादी के लिए मना कर दिया। ओ रियली, गुड। मुझे पता था मेरे अलावा तुम किसी को पसंद नहीं कर सकते। आई लव यू, 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 आई लव यू। तुम आ गए मुकुल, मुझे पता था कि आपने वो लड़की जरूर रिजेक्ट कर दी होगी। मुझे पता है आपको मुझ जैसे स्मार्ट हैंडसम कहीं मिल नहीं सकती है। खड़े क्यों हो, बैठिए। मैडम ये कार्ड है।
ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड है। शादी? जी मैडम, आप सभी को विदिष्टाप आना। आप शादी कर रहे हो? जी। आप हैं पम्मी जी, दुल्हन की फ्रेंड? जी हाँ। और आप? मैं हूँ आपका अपना फोन फ्रेंड टेसु, दुल्हे का दोस्त। आपके फ्रेंड ही मेरी सहेली का फोन फ्रेंड है ना? जी हाँ। लेकिन आज तो मेरी फ्रेंड की शादी है। और मेरे भी फ्रेंड की शादी है। अगर ये दोनों फोन फ्रेंड है तो एक दूसरे को क्यों नहीं जानते? बिल्कुल जानना तो चाहिए। जब ये फोन पर बात करते थे, अब शादी भी हो रही है। ये क्या है सिस्टम? मोहिनी तो बड़ी समझदार है। हैं? मोहिनी? आपकी सहेली का नाम मोहिनी है क्या? हाँ। ओहो, मेरे दोस्त की फ्रेंड का नाम तो वर्तिका है। ओहो, तो वो कोई और ही है। अगर फोन में बोलने वाले का फोटो भी दिखाई देता तो कितना अच्छा होता। आने वाले समय में ऐसे फोन भी बनेंगे, तू चिंता ना कर। ओहो सॉरी। हेलो, अभी तक तो अंदर आया नहीं है। अच्छा, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना है। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। शायद वो आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। देवल जी कहाँ हैं? इस बला से कैसे छुटकारा पाऊं, समझ नहीं आ रहा है। अंदर कैसे जाऊं, क्या करूंगा, क्या बोलूंगा मैं वहां। देवल जी, आप यहां बैठे हो, आज आपके स्वागत है। और स्वागत जिंदगी में एक बार आती है। चलो 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 अंदर। मैं चला जाऊंगा, आप जाओ। नहीं नहीं, चलो चलो। मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, चले जाना। अगर इसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की, मैं इसका मुंह नोच लूंगी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। बैठिए, अब बैठे रहिए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हे भगवान, अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? जी, वो मेरी तबीयत खराब है। डोंट वरी, आप आराम करिए।
हेलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हो वर्तिका? सेफ एंड फाइन, आप कैसे हो? हाँ मैं भी एकदम अच्छा हूँ। मैंने बस यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं सेफ हूँ। वेरी गुड। कोई आया है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, बाय। ओके। देवल जी कैसी कटी? अरे ऐसी कि किसी की ना कटे। क्या हुआ? कुछ नहीं। नाश्ता तैयार है, आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई, बहू के इम्तिहान कब से हैं? पता नहीं जी। बहू एग्जाम दे रही है ये तो पता है ना? नहीं तो। तो क्या पता है तुझे? तू इस दुनिया में रहे या किसी और दुनिया में रहता है? तुम तो इसके पीछे लठ ले कहीं पड़े रहो। हाँ तू जरूर इसकी हिमात ले। अरे मैं कहाँ इसकी हिमात ले रही हूँ। अरे इसके ससुर का फोन आया था, बहू के इम्तिहान है, इम्तिहान में जाना पड़ेगा ना। हाँ अगर बहू के इम्तिहान है तो उसे मायके तो जाना ही पड़ेगा। अरे जब देखो इसका फोन आ रहता है, समझ में आता हो क्या रहा है? अरे तो बात क्यों ना कर लेता। अरे मुझे इसके लक्षण से नजर नहीं आ रहे, पता नहीं मन में क्या क्या सोचता रहता है। आप शांत हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हेलो। हाँ बोलो वर्तिका। फोन क्यों काट रहे थे? अरे पिताजी खड़े थे यार। ओ सॉरी, एक्चुअली मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, घुटन सी महसूस हो रही है। रिलैक्स, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार तुम घर आ जाओ। हाँ बनाती हूँ कोई सॉलिड बहाना, हम जल्दी ही मिलेंगे। श्योर। आई लव यू वर्तिका। आई लव यू टू पलास। तुम्हारे एग्जाम है? एग्जाम जी हाँ 15 से, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं है, यू नो शादी के चक्कर में। चलो मैं कोशिश करता हूँ तुम जल्दी से अपने घर जा सको। उसके एग्जाम के कितने दिन रह गए? बहू ने तैयारी भी तो करनी होगी। तो फिर छोड़िए बहू ने जल्दी से। ठीक है जैसा आप लोग चाहो। ठीक है तो कल बहू को घर छोड़ा। जी तो फिर जाके बता दे बहू ने। ठीक है जी। वो मैंने बात कर ली है, आप एग्जाम के लिए अपने घर जा सकती है। रियली थैंक। हेलो। हेलो पलास, कैसी हो डियर? फाइन। डिनर कर लिया? हाँ। क्या कर रहे हो? मैं आराम कर रहा हूँ। अकेले? और क्या मतलब, तुम्हें क्या लग रहा है मेरी कोई और गर्लफ्रेंड भी है? नो नो आई मीन आपका फ्रेंड। अरे वो तो बाहर गया हुआ है। बाहर? लेकिन पम्मी तो कह रही थी वो आजकल यही है। आई? मेरा मतलब कमरे से बाहर गया हुआ है, कमरे से बाहर। ओके। ओह माय गॉड। क्या हुआ? एक खुशखबरी देनी थी जिसके लिए फोन किया है अब। अरे बोलो तो सही, मैं बेचैन हूँ सुनने के लिए। मैं कल घर आ रही हूँ। रियली? 101%। ठीक है तो परसों हम डेफिनेटली मिलते हैं। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। हैव ए स्वीट ड्रीम। यू टू। बाय बाय, टेक केयर। ये तो अच्छा हुआ जीजा जी कि आप दीदी को लेकर खुद आ गए, वरना मैं तो खुद ही आने वाला था। हाँ अच्छा हुआ परमकुल बेटा, आते रहा करो। जी मैं बस थोड़ा बिजी सा रहता हूँ। तो फोन कर लिया करो। फोन नंबर तो होगा आपके पास मोनिका? जी नहीं मेरे पास तो नहीं है। क्यों मोनी, फोन नंबर नहीं लिया तुमने एक दूसरे का? चलो फोन नंबर दो।
पापा क्या बोल रहे हैं? बेटा जाने की जल्दी मत करो, खाना वाना खा के जाना। चलो भाई खाना बनाओ, चलो आओ आओ। अच्छा भाई चले। अरे दीदी नंबर तो बता दो। ले डबल एट डबल जीरो फाइव टू सिक्स जीरो फाइव फोर। ओके। अरे दीदी ये तो मम्मी का नंबर है। तू अपना काम कर, बड़ों की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट मत लिया कर। अच्छा जी। और सुना भाई कैसी मनी सुहाग रात? अरे ना पूछे तो ही अच्छा है। क्यों क्या हुआ? होना क्या था, मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। यानी देखी तेरी पाली, जैसी आई वैसी चाली। हाँ मन्ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मेरे लिए पलास ही सब कुछ है। अब आगे क्या होगा? हम कल मिलकर सब कुछ तय कर लेंगे। हैं? इसका मतलब तू भाभी को छोड़ देगा? हाँ मैं वृतिका के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। हाँ हेलो वृतिका बोलो। पलास कल हम हर कीमत पर मिल रहे हैं, सुबह 10 बजे। ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ठीक टाइम से पहुंच जाऊंगा। श्योर? पक्का। अरे बाप रे ये, अरे बाप मुझे अब यहां से चलना चाहिए। हेलो, अरे कहाँ हो? सॉरी पलास, मैं आ तो गई थी लेकिन। लेकिन क्या? अरे वहाँ न जाने कहाँ से मेरे हस्बैंड आ गए और मुझे वापस आना पड़ा। अरे अपने हस्बैंड से तो मिलवाओ। अरे पहले हम तो मिल लें। तो अब क्या किया जाए? अच्छा कल हम मिलते हैं इसी समय इसी जगह। ओके ओके। अरे बाप रे ये कहां से आ टपकी? अगर इसने देख लिया तो सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। पर ये यहां क्यों आई है? किसी से मिलने आई होगी, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो यहां से खिसक लेना चाहिए। हाँ हाँ हेलो हेलो। हाँ वर्तिका मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था अभी। हाँ पलास कहाँ हो? वो क्या है कि मुझे एकदम जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। ओ नो। मिलता हूँ, आते ही मिलता हूँ तुमसे, ठीक है ना? ठीक है। ओके प्लीज। ओके बाय बाय। ओके। अरे मोनी बेटा ये बैंक में पैसे जमा कर देना। सॉरी पापा मुझे अभी निकलना है। तो दोपहर को जमा कर देना। पापा मैं शाम तक फ्री होंगी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो शाम तक होएगा? अपनी सहेली से मिलने जा रही होगी, कोमल से। कोमल कोमल कोमल, अरे ऐसी कौन सी सहेली है जो शादी तक में नहीं आई? अरे कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। जानती हो तुम, मोहनी 3 दिन से लगातार पता नहीं किस से मिलने जाती है, कहां जाती है। आप तो शक बहुत करते हो। चुप करो तुम। तुम? मैं तो यहाँ अपनी सहेली से मिलने आई थी। मेरा भी दोस्त आ रहा है। बस मेरी भी सहेली आने वाली है। अच्छा। उसी का वेट कर रही हूँ। और घर पे सब कैसे हैं? जी सब ठीक है, और आप? हाँ वहाँ भी सब ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, कल पेपर है।
अच्छा अच्छा बढ़िया ठीक है। अब वर्तिका आ गई तो सारी पोल खुल जाएगी और मैं उसको क्या जवाब दूंगा। हे भगवान, प्लास के आने पे मैं उन्हें क्या बताऊंगी। काश आज प्लास ना आए। काश आज वर्तिका को कोई जरूरी काम पड़ जाए और वो ना आए। यहाँ खड़े रह के मैं प्लास को फोन भी तो नहीं कर सकती। और मैं यहाँ से उसको फोन भी तो नहीं कर सकता। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। और वर्तिका तो जानती भी नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। हे भगवान, अब क्या करूँ। आज तो मैं बुरा फंस गया हूँ। किसी तरह से यहाँ से चला जाना ही ठीक रहेगा। हाँ हेलो, हेलो मैडम। हाँ हेलो मुकुल जी। एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग है, आपको भी ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ जी मैं आ जाता हूँ जरूर। ओके पहुँच रहे हो ना आप? हाँ ऑफिस ही। हाँ जी मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक ठीक है जी आ रहा हूँ जी। मुझे तो अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ जी चलो जूस तो पी लेते हैं। दो ग्लास जूस दे दे भैया। हाँ हेलो वर्तिका। हाँ जी। हाँ कहाँ हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कहाँ हो, वहाँ पहुँची या नहीं? अरे मुझे तो अचानक किसी काम से बंगलोर जाना पड़ा। एक्चुअली मैं भी किसी काम में जरूरी फंस गई थी। तुम बेंगलोर से आते ही तुरंत मुझे फोन करना। हाँ हाँ आपकी वरना हम जरूर मिलेंगे जरूर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पक्का ना? ओके ओके पक्का। ओके बाय। ओह हम दोनों कितने खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल जब चाहे मिल लेते हैं। पर एक मेरी सहेली है वो तुम्हारे दोस्त से मिल ही नहीं पा रही है। पता नहीं क्या चक्कर है। कोई ना कोई तो चक्कर है। हम उनके चक्कर में अपना समय क्यों बर्बाद करें। सही कहा, उनकी किस्मत उनके साथ और हमारी हमारे साथ। हेलो। नमस्ते पिताजी। हाँ नमस्ते। ऐसा है बहू के एग्जाम खत्म हो गए हैं, उसके पापा का फोन आया था। जा बहू को घर ले। जी नहीं वो। कोई परेशानी है? जी नहीं। तो जैसा कहा है वैसा करो। ओके जी। पिताजी का ऑर्डर है, अब तो सीधा मोनी को लेके ही जाना पड़ेगा। आ गई। हेलो बेटा। राजेश शर्मा का फोन है। वो सुना तो नहीं? नहीं। हेलो पलास, क्या कर रहे हो? तुम्हारे फोन का इंतजार। मैं यहाँ आ गई हूँ बट आई मिस यू। हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, काश तुम एक दिन और रुक जाती। रियली वेरी सॉरी, पर हम जल्दी मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। मुझे इंतजार रहेगा। ओके बाय। Thank you.
पता नहीं पम्मी कैसे कटेगी ये जिंदगी। खैर तू सुना, तेरा चक्कर कहाँ तक पहुँचा? मैं बाद में बात करती हूँ। सुनो जी, ये बहू 24 घंटे फोन पे ही लगी रहे। तेरा बेटा कौन सा घाट है, वो तो हर टाइम फोन पे लगा रहता है। पर ये किससे इतनी बात कर रहे हैं जी? तो अपने बेटे से पूछो तो सही जाके। लगता है कोई बड़ा क्लोज फ्रेंड है आपका, जिससे बड़ी जी भर के बातें होती हैं। जैसे आपका फ्रेंड है वैसे ही मेरा फ्रेंड है। आप भी तो ज्यादातर फोन पर बिजी रहते हैं। हाँ हाँ, मेरा फास्ट फ्रेंड है राजेश शर्मा। मेरी फ्रेंड का नाम कोमल है, मेरी पक्की सहेली है। हाँ हाँ, ये दोस्ती चीज ही ऐसी है। जी हाँ। कोमल, I'm fine. तुम बताओ कैसी हो? बस समय कट रहा है तुम्हारी याद में। काश मैं तुमको अपने दिल का हाल बता सकता। मैं जानती हूँ। सुबह से फोन क्यों नहीं किया फिर? बस क्या बताऊँ पलास, अब मुझे सबकी निगाहों से देखा जा रहा है, बड़ा छुप छुप के फोन करना पड़ रहा है। हस्बैंड घर पे ही है क्या? घर पर ही है, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। ध्यान से रहो। जब मुझे मौका मिलता है फोन करती तो हूँ। छोटी बहू। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे कभी कभी घर का भी काम काज कर लिया करो, जब देखो फोन ही पे चिपकी रहती हो। बेटा तुम्हारा मन तो लग रहा है ना, कोई इच्छा हो तो हमें बताना, हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझदार हो, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। माई कोई छोटी मोटी बात है क्या? घर की बहू पता नहीं दिन रात किसके साथ फोन पे लगी रहती है, बर्दाश्त होगा भला कोई? ये बिल्कुल नहीं। बेटा हो सकता है वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो। माँ नाम सहेली का फीड है, लेकिन लेकिन वो राजेश शर्मा के बहाने किसी लड़की से बात करते हैं। किससे बात करता है यही तो नहीं पता, मुझसे छुप के करती है। जिस दिन रंगे हाथों पकड़ लूंगा आपको पता लग जाएगा कैसी है। बेटा आपका है, वो कैसा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहू हमें तो पता है, पर तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। मुकुल बेटा इतना गुस्सा क्यों? आखिर वो इस घर की बहू है। तो बहू की तरह क्यों नहीं रहती? मुझे बहू जैसा प्यार कम मिला यहाँ। अरे हमने तो तुम्हें बेटी की तरह रखा है, हमारे प्यार में कोई कमी रहेगी थी क्या? आप लोगों के अलावा भी कोई और है इस घर में जिसे मेरी परवाह होनी चाहिए। माँ अगर उसे मेरी परवाह होती तो ये नो बताती। जब वो अपनी आदत नहीं बदल सकते तो आप मुझसे ये उम्मीद क्यों करते हैं? माँ ऐसे बात ना बने, तू देख लिए फजीता तो होकर रहेगा। भाभी रोटी। हेलो पलास, हम कब मिल रहे हैं? हम एक दूसरे के कब होंगे? मैं यहाँ से छुटकारा चाहती हूँ। रिलैक्स वर्तिका, ऊपर वाला प्यार में इम्तिहान लेता है और हमें उसमें पास होकर दिखाना है। पता नहीं भगवान इतना टफ इम्तिहान क्यों लेता है। हाँ देखो मैं इस टाइम बिजी हूँ, बाद में बात कर ले हम लोग। ठीक है ओके बाय।
भाभी बटन आई देवल जी। भाभी बटन टूट गया, जरा लगा देना। अभी लगा देती हूँ। बटन तो मैं भी लगा सकती थी। तुम्हें फोन करने से फुर्सत हो तभी तो लगाओगी। मुझसे ज्यादा तो आप फोन करते हैं। तो तू मेरी बराबरी करेगी? औरत तो चाह के भी बराबरी नहीं कर सकती। अपना आपा तो देख। आप अपना आपा देखिए। तू बहस कर रही है मेरे से? बहस आपने शुरू की है। शट अप। यू शट अप। हेलो। हाँ मोनी। हेलो। हेलो मोनी, आर यू ओके? अरे बोलते क्यों नहीं हो? पापा मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे मुकुल से कोई कहासुनी हो गई क्या? बस कहा ना, मन नहीं लग रहा। बेटा मन तो लगाना पड़ता है। समधी जी, समधन जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ पापा, उनके अलावा भी इस घर में और इंसान हैं। सुनो, कहीं तुम अपने जेठ जिठानी की बात तो नहीं कर रही? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। परेशान ना हो मोनी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, आज आपके दिलासा में वो बात नहीं है। मोनी, हमने तुम्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं, और हमें यकीन है कि तुम कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दोगी। यानी आप मेरी बात सुनने के मूड में नहीं है? हमें यकीन है कि तुम कोई भी कदम सोच समझ के उठाओगी। तो क्या एक बार आप उनके पापा से बात नहीं कर सकते? मोनी, बच्चों की हिमायत लेना मैंने कभी नहीं सीखा। ओके पापा। बेटी, मेरी बातों पर सीरियसली सोच विचार करना, और मुझे तुम्हारी समझदारी पे यकीन है। ऑल द बेस्ट। लगता है अब मुझे खुद ही फैसला लेना होगा। तो मैं आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, तुम आखिर क्या चाहती हो? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। एक बार और सोच लो बहू। ठंडे दिमाग से सोच लो मोनी, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। घर की बात, चार द्वारी से बाहर जाना बहुत शर्म की बात है। दोनों मिलके फिर सोचो। क्यों भाई? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तू ये सोच रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो बच्चों का खेल नहीं है। बेटा, खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो। माँ, मैं कुसामंद नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। बहू बदलने से घर नहीं बसते, घर बसते हैं एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे पे विश्वास रखने से। हमारे बीच तो विश्वास बढ़ना ही नहीं। इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। अरे जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, हम क्या कर सकते हैं? मरने दो इनको।
जिसके लिए आपने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिले। थैंक्स, आपको आपका लाइफ पार्टनर मुबारक हो। मैं उठवा दूँ? नहीं। इतना गुस्सा ठीक ना है। इतनी बात तुम उसे समझाती तो ज्यादा अच्छा था। जरा ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा। माँ आप सोचने की नहीं रह के गया। हाँ हेलो पलास, मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ हो तुम? बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ कॉल बैक अभी थोड़ी देर में, ठीक है? आखिर तूने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, कैसे? अरे हमें तो बताया होता कम से कम। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इस तरह आने का मतलब समझती हो? पापा मैं बच्ची नहीं हूँ। आखिर उस लड़के में क्या कमी थी? अरे ऐसी ससुराल किस मत वाली लड़की को मिलती है, समझी? जीजा जी लाखों में एक है। तू बीच में नहीं बोलेगा? हेलो ओके, कहाँ? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? हेलो, आप मोहिनी के पापा बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? हाँ मैं संजीवनी हॉस्पिटल से डॉक्टर राकेश बोल रहा हूँ। मोहिनी का फोन खराब हो गया, सो मैं अपने फोन से फोन कर रहा हूँ। एक्चुअली आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ जी आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। मोहिनी का एक्सीडेंट? हाँ जी। वो ठीक तो है? हाँ हाँ वो ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आते हैं अभी। अरे लक्ष्य। हाँ पापा। ओ मोहिनी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जल्दी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तेरी सहेली ने और मेरे दोस्त ने आपस में शादी भी कर ली। हाँ कर ली, और अब अलग अलग भी हो गए। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपस में मिल क्यों नहीं रहे। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। जब तेरी सहेली की और मेरे दोस्त की शादी होगी तो वे मिल क्यों नहीं पा रहे। मेरी समझ में आ गए चक्कर। मेरी भी समझ में आ गया। मेरा दोस्त और तेरी सहेली ये नहीं जानते कि उसका पति और फोन वाला दोस्त, उसकी पत्नी और फोन वाली मैडम दोनों एक ही हैं। देखा हम कितने कलमंद हैं। चलो सबसे पहले अस्पताल में जाके मोहिनी को बताते हैं। ठीक बात है, चलो। हाँ चलो। लो दीदी आपका फोन। थैंक्स। मुझे लगता है हमें जीजा जी को एक्सीडेंट के बारे में बता देना चाहिए। ओके मैं खुद इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओह शिट, बैलेंस ही खत्म हो गया। लाइए आप अपना फोन दीजिए हमें। मेरे पास नंबर नहीं है। क्या आपके पास जीजा जी का नंबर नहीं है? हाँ हाँ नहीं है। ओके ओके लाओ मुझे फोन दो, मैं मिलाता हूँ। कोमल, तूने किसका नंबर मिलाया है? जीजा जी का और किसका? दोबारा नंबर बोल। 88 02 73
2002। किसी राजेश शर्मा का फोन था। सुना तो नहीं? नहीं। आपकी शराफत का कि आपने मुझे टच तक नहीं किया। जिसके लिए भी किया है या नहीं किया है, सचमुच बहुत लकी होगी। सॉरी पलाश, मैं आ तो गई थी लेकिन। लेकिन क्या? अरे वहाँ न जाने कहाँ से मेरे हस्बैंड आ गए और मुझे वापस आना पड़ा। इतनी पास रह के भी मैं क्यों नहीं पहचान पाई। क्या हुआ दीदी, जीजा जी से बात करो ना। ले तू ही कर। लाओ दो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ वर्तिका, कहाँ हो तुम? मैं दो दिन से फोन मिला रहा हूँ। वर्तिका, अरे जीजा जी, मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ। तेरे पास ये नंबर कहाँ से आया? क्या मतलब? तेरे पास ये फोन कहाँ से आया? तो वर्तिका का फोन है। जीजा जी, आप ठीक तो है? क्या मतलब? अरे ये दीदी का फोन है, मोहिनी दीदी का। यानी मोहिनी ही वर्तिका है? जीजा जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी का परसों एक्सीडेंट हो गया था, पर अब वो ठीक है। एक्सीडेंट? हाँ जीजा जी, हम लोग संजीवनी हॉस्पिटल में हैं। सुनो तुम, मैं तो अपनी सहेली से मिलने आई थी। मेरा भी दोस्त आ रहा है। बस मेरी भी सहेली आने वाली है, उसी का वेट कर रही हूँ। हस्बैंड घर पे ही है क्या? घर पर ही है, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। अरे ये कोमल कौन है? और ये वर्तिका कौन है? और ये पलाश कौन है? वो अभी आ रहे हैं, सब पता चल जाएगा। पहचान पाए, लेकिन हम फोन के जरिए कितने करीब थे। हाँ, जीवन भी तो कभी कभी किस चक्कर में डालता है। अरे भाई ये क्या चक्कर है? अरे हम बताते हैं क्या चक्कर है। ये वर्तिका ही मोहिनी है और ये पलाश ही मुकुल है, पर ये बात ये दोनों नहीं जानते। एक दूसरे को लुप छुप कर फोन पर प्यार करते रहे, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रूप में एक दूसरे का वाइट करते रहे। समझ गए ना, ये चक्कर है ये। समझे के नहीं।